राम राम सा, जय श्री राधा बाबा की। हमारी प्रतिभा प्रोत्साहन ज्ञान सम्मान की यात्रा में आज हमारे साथ में है श्री सौभराज चौधरी जी, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज यानी भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी हैं। और इनकी जो संघर्ष और सफलता की यात्रा है वो बहुत गजब की है, जो अभी आपके बीच में ये अपने श्रीमुख से सुनाएंगे। सबसे पहले तो भाई सौभराज का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। और मेडल पहनाकर इसका विशेष रूप से स्वागत कर रहे हैं, और इसको साथ लेकर आए हैं हमारे अजीज मित्र भाई रामस्वरूप ओला, जो राजस्थान विश्वविद्यालय शोध छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और उनके छात्र संघ के सभी कार्यक्रमों में मैं एज ए होस्ट एंकर रहा हूं, तो मेरा सौभाग्य है। तो हमारी ये इच्छा रहती है कि हर दिन हम किसी न किसी प्रतिभा से परिचय करवाएं और हमारी ज्ञान सम्मान प्रतिभा प्रोत्साहन की इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ाएं। तो उसी कड़ी में सौभराज आए हैं, और ये एज ए जैसे IAS होते हैं, IRS, IPS होते हैं, उसी तरीके से UPSC ही इसको कंडक्ट करवाती है, और ISS जिसको कह सकते हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के ये हैं। 4 बार बंदे ने इंटरव्यू दिया है, 5वां प्रयास है तब जाके सफल हुआ है। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी धैर्य की और सफलता की एक कहानी है, जरूर अवश्य सुने। तो सौभराज भाई आपसे ही शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपका संघर्ष रहा जो वर्तमान में आप सर्विस में आए, इससे पहले भी कई प्रयास किए या इसी के लिए आपने टारगेटेड रखा? मेरा जो मेन टारगेट था वो तो ISS ही था जी। 2019 से मैं एग्ज़ाम कंटिन्यूसली दे रहा हूँ, इसके साथ साथ लेकिन मैं स्टेट की जो एग्ज़ाम्स होती है जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनका भी मैंने एग्ज़ाम दिया है जी। लेकिन जो मेरा मेन एम था वो ISS ही था। और वो आपने पा लिया है? जी सर। अच्छा, तो इससे आप ये तो साबित कर सकते हो कि अगर आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो तो देर सवेर लक्ष्य मिल ही जाता जी है। जी सर, अगर पूरा ध्यान एक तरफ कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो मिल ही जाता है। अच्छा, चलिए अब आपकी पृष्ठभूमि में जाते हैं जी सर, कि सबकी ये इच्छा रहती है कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से संघर्ष करके आए हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, तो आपका प्रारंभिक ग्रामीण परिवेश का सफ़र से शुरू करें जी। जो मैंने 9th क्लास है, मतलब प्राइमरी क्लास से लेकर 9th क्लास तक मैंने जो एजुकेशन ऑप्टेन करी है वो मैंने गांव से ही ऑप्टेन करी है। ठीक है। उसके बाद में मैंने 10th क्लास जयपुर के अंदर आके करी है जी। और 10th क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम का बोर्ड था जी। फिर 11th क्लास से मैंने अपना बोर्ड भी चेंज किया और जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो भी मैंने चेंज करी है। 11th क्लास से किया? 11th क्लास से मैंने चेंज करी है इंग्लिश मीडियम के अंदर जी सर जी। फिर उसके बाद में मैंने जो BSc करी है वो महाराजा कॉलेज से करी है, और उसके बाद में मैंने जो मास्टर्स करी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी है। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं 2019 से लगातार ISS का अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और उस 2023 में जाके सफल हुए, और जो 2023 में जाके मुझे सफलता मिली है। अच्छा, पहला प्रयास जो था उसमें आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे पहले में? पहले में मैं नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में दिया था। ओके। तो उसमें नहीं हो पाया था मेरा। उसके बाद में आप लगातार देते रहे, 4 साल तक आपको सफलता नहीं मिली, 5वें साल में जाके मिली। कभी घर वालों ने ये नहीं किया यार तो कितना पढ़ेगा, ये क्या परीक्षाएं देता रहेगा, ऐसा कुछ दौर आया संघर्ष का जब ऐसा लगा कि भाई चारों तरफ से ताने भी मारे जा रहे हैं, लोग दोस्त लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, अपन एकदम डिजर्व नेचर में बने हुए हैं, तो ऐसा दौर किस तरीके का था? वो दौर मतलब डिप्रेसिंग तो होता है उस टाइम पे, बहुत डिप्रेस होता है, लेकिन अगर घर वालों का सपोर्ट और अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो ये सफ़र आसान हो जाता है, तब इतना बोरियत फील नहीं होती है। मतलब बहुत बड़ी बात कर आपने, अच्छे दोस्त और घर वाले साथ में होते हो तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चे की धैर्य की परीक्षा में उसको आगे बढ़ते रहना जी सर। अच्छा, तो परिवार का बैकग्राउंड क्या क्या है, कौन कौन है परिवार में? मेरे परिवार में मेरे पापा हैं जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर हैं, और मेरी मम्मी है, और मेरा छोटा भाई है। पिताजी का क्या नाम है, राजस्थान पुलिस में किस पद पे हैं वो? मेरे जो पिताजी हैं उनका नाम सुभाष चंद्र है, और वो हेड कॉन्स्टेबल है जयपुर में पोस्ट, जयपुर के अंदर ही पुलिस मुख्यालय के अंदर उनकी पोस्टिंग है। वेरी गुड। और माताजी हाउसवाइफ है? जी सर। और छोटा भाई? मेरा छोटा भाई भी मास्टर्स कर रहा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो भी सेम फील्ड के अंदर तैयारी कर रहा है अभी। तो आपने उसको पहले से गाइड कर दिया कि भाई इसी लाइन में आ जाना है? जी सर। अच्छा, दूसरी चीज़, जब इंडियन सिविल सर्विस का कोई आदमी देखते हैं तो समाज में सबसे पहले कहते हैं कि बच्चा कुंवारा है या ब्याह हो रखा है जी तो क्योंकि रिश्तों की एक लंबी कतार हमारे पास फोन आते रहते हैं जी सर, वो भी आप स्टेटस बता दीजिए कि अभी अनमेरिड है या मेरिड है।
अभी मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन अभी 2-3 साल मैंने सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, तो अब तो आप इंडियन स्टेटिकल सर्विस के अफसर बन गए हैं, तो अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए। नहीं, अभी 2 साल तो क्या है कि इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। जिसके अंदर बिल्कुल भी छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है। ओके, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? ट्रेनिंग होगी हमारी NSSTA एकेडमी है ग्रेटर नोएडा के अंदर। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में। जी सर। तो वहाँ होगी, उसके बाद में फिर आपको पोस्टिंग मिलेगा। फिर 2 साल के बाद में हमें पोस्टिंग मिलेगी डिफरेंट पोस्टिंग। जैसे किस पद पे जाएंगे आप? जो पहला पद होगा वो असिस्टेंट डायरेक्टर का होगा। अच्छा जी। सांख्यिकी निदेशालय या विभाग जो भी है? हाँ, हमारे एक पेरेंट मिनिस्ट्री है MoSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, लगभग 40 मिनिस्ट्रीज के आसपास है, उनके अंदर सब के अंदर हमारी पोस्टिंग होती है। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इसमें भी कोई कैडर अलॉट होता है कि जैसे अलग अलग IAS में कैडर होता है? तो नहीं नहीं, इसमें कैडर का अलॉटमेंट नहीं है, बस इसके अंदर मिनिस्ट्री का है। अच्छा। जो मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग होती है दिल्ली के अंदर ही होती है। अच्छा, वो मिनिस्ट्री में होती है। जी सर। तो लाइफ टाइम भी लगभग दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में चेंज होते रहते हैं। नहीं, मतलब जैसे जयपुर के अंदर भी पोस्टिंग है, लेकिन अगर चाहे तो दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री सारी वहीं पर ही है। ओके। तो सारी पोस्टिंग वहीं होती है लगभग। और या अगर किसी स्टेट में भी, तो वहाँ की राजधानी में आपको कभी भेज दिया, इस टाइप से रहेगा? हाँ, वहाँ पे भी भेज सकते हैं। अच्छा, नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि जनरली लोग IAS IRS IPS इस टाइप के नाम सुनते हैं कि ये IFS, जैसे IPS एक इंडियन पुलिस सर्विस भी होती है, एक इंडियन पोस्टल सर्विस भी होती है, IFS जैसे फॉरेन सर्विस भी होती है, फॉरेस्ट सर्विस भी होती है। तो ये जो IFS है, इसमें किस तरीके से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए कि वो इस सफलता में आपके पदचिन्हों पर चल के पा सकता है? पहली बात तो ये कि UPSC पेशेंस बहुत मांगती है जी। पेशेंस रह के तैयारी करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, मतलब पूरा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, डेडिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो UPSC का सिलेबस दे रखा है वो हमें अच्छे तरीके से पूरा समझ के ही पढ़ना चाहिए कि इसमें दिया क्या हुआ है एक्चुअल में। इसमें आप कोचिंग की भूमिका को और सेल्फ स्टडी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा अच्छे से होती है जी। अगर सेल्फ स्टडी आपने करी है, कोचिंग तो आपको है ना डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो इसमें साल भर तो सिलेबस समझने में लग जाता है कई बार, तो फिर उसके बाद में तो स्टूडेंट को खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है पूरी की पूरी। ये कब शुरू कर देना चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन के बाद से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? अभी तो जो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगिए, ग्रेजुएशन एक स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट से होनी चाहिए। अच्छा। तो अभी जो नए नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस लाइन में जाने का गाइडेंस आपको स्वप्रेरणा से मिला, किसी दोस्त की प्रेरणा से मिला, या किसी टीचर्स ने बताया, या फिर आपको डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री ने प्रभावित किया? इसका जनरली बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं होता है जी। जैसा कि मेरे साथ भी था। बस जो ग्रेजुएशन थी उसमें मेरे को केमिस्ट्री नहीं लेनी थी, तो जो मेरे एक भैया हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम स्टैटिस्टिक्स ले लो, वो भी एक मैथमेटिक्स की तरह ही है जी। तो तब मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया, तब मुझे पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। राजस्थान स्टेट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंटर के भी एग्ज़ाम्स होते हैं जी। और जो IAS है वो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में हाईएस्ट पोस्ट है। अच्छा, और इसके अलावा भी जैसे हर राज्यों में और ज़िलों में भी इसके पोस्टिंग वगैरह हो सकती है, उस फील्ड की नौकरियाँ निकलती हैं? हाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इसके लिए बच्चे को जैसे 11वीं क्लास से क्या करना चाहिए? 11वीं क्लास से तो यही है कि उनके जो साइंस मैथ जो ली जाती है वो लेनी चाहिए, और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैथमेटिक्स ज़्यादा। फिर स्टैटिक्स से उसको बाद में ग्रेजुएशन में लेनी चाहिए या 11th से शुरू करना चाहिए? 11th क्लास में नहीं होती है ये, ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। क्योंकि मेरा भतीजा 11वीं में इसके साइंस मैथ है और उसकी गणित बहुत अच्छी है जी। तो हम चाहते हैं कि ये सर्विस मुझे अच्छी भी लगी, और जिस तरीके से टारगेटेड तरीके से अगर पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, तो सफल हो सकता है। तो आप जैसे अच्छे लोग हमारी संपर्क में है तो उनको गाइडेंस भी प्रॉपर मिल जाएगा जी सर। तो ग्रेजुएशन से उसको स्टैटिक्स लेनी चाहिए, ग्रेजुएशन से देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, नए बच्चे जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, कहीं पर आप देखते हैं कि कोटा जैसी शिक्षा नगरी में आत्महत्याएं बढ़ रही है, और जो अभिभावकों का प्रेशर है कि तुझे डॉक्टरी बनना, तुझे इंजीनियरिंग बनना है, बच्चों की रुचि कुछ अलग है, तो इस तरीके का प्रेशर कभी आपने भी झेला हो या ऐसा दौर निकला हो, और उन अभिभावकों और बच्चों के लिए आप भी क्या कहना चाहेंगे?
जैसे मैंने मैथ्स में की थी, उसके बाद में मैक्सिमम यही होता है कि 12th पास के बाद में बच्चों को IIT के लिए प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो उस टाइम जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उस टाइम स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे ये करना ही चाहिए। फिर घर वालों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, उस टाइम सबका अलग अलग प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, और जो वो टाइम होता है वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। लेकिन मैंने भी ये सहन किया है, लेकिन टाइम टू टाइम मुझे पता चला कि वो इतना भी ज़्यादा नहीं था। अगर मेरा IIT के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बाकी बहुत सारी अदर फील्ड्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स सर्विस की फील्ड है, ये भी काफ़ी अच्छी है, और आजकल के टाइम के अंदर जो डेटा से रिलेटेड वैकेंसी आ रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी डेटा के ऊपर ही बेस है। अच्छा, एक तरह से ये जो बेसी है जो पूरे संसार से अपडेट भी रखती है आपको, दुनिया में क्या हो रहा है। जी सर, किस चीज़ का डेटा क्या है, डेवलपमेंट का डेटा क्या है, प्रोग्रेस का क्या है, और सब चीज़ों का, तो उससे आप एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से अपडेट रहते हैं सिस्टम से भी। जी सर। अच्छा, और इसमें इसके अलावा पब्लिक डीलिंग तो इसका नहीं होता, मोस्टली ऑफिशियली होता है। हाँ, पब्लिक डीलिंग का इसका कोई काम नहीं है, जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उनके लिए, जैसे गवर्नमेंट को कोई नई पॉलिसी बनानी होती है तो सबसे पहले वो सर्वे वगैरह कंडक्ट करवा के चेक करते हैं कि ये पॉलिसी कौन कौन बेनिफिशियरी है जो इसको ले सकता है जी। तो हमारा जो मेन काम है वो गवर्नमेंट के लिए होता है। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आप करते हो, लेकिन वो एक तरह से पब्लिक वेलफेयर के लिए डाटा कलेक्ट करना जी, और किस फील्ड में कौन सा रेशियो ज़्यादा अच्छा या बुरा हो सकता उसका सही एनालिसिस करके आप देते हैं। जी सर। तो बहुत बड़ी भूमिका देश के नवनिर्माण और विकास में भी होती है। नई जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो इन्हीं से एनालिसिस लेकर, डाटा लेकर, और उसके बिहाफ पे फिर आगे की पॉलिसीज तैयार होती है। तो पॉलिसी मेकर्स में एक बड़ी जो पर्दे के पीछे की बड़ी भूमिका है वो ISS की होती है। तो आपका बहुत सारा स्वागत, बहुत अभिनंदन। सर, धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे, कुछ नया मैसेज आपकी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलती है, और जिस दिन मिलती है जितने भी सैक्रिफाइस किए हैं सब वर्थ इट होते हैं। बिल्कुल, तो ये सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, आप भी की मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा के कह दे कि भाई सोबराज सफल हो गया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आपके जो भी सुझाव आप हमें जरूर प्रदान करें।